आखिरी दो गेंद में चाहिए थे 10 रन, लेकिन फिर रविंद्र जडेजा ने किया कमाल और चेन्नई बनी 5वीं बार चैंपियन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। चेन्नई सुपर किंग्स की धमाकेदार जीत से आप भी खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, आखिरी ओवर में चेन्नई सुपर किंग्स को जीत के लिए चाहिए थे 13 रन, लेकिन आखिरी दो गेंदों पर मुकाबला आकर फंसा, जहाँ पर 10 रनों की जरूरत थी, लेकिन फिर रविंद्र जडेजा ने पलटा पासा और जिता दिया चेन्नई सुपर किंग्स को। तो दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में पूरा हाईलाइट बताएंगे इस मुकाबले के आखिरी ओवर का कि किस प्रकार से शानदार जीत दर्ज की चेन्नई ने। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप भी रविंद्र जडेजा की इस शानदार बल्लेबाजी को देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स को बारिश के बाद 171 रनों का लक्ष्य मिला था मात्र 15 ओवर में, यानी कि 90 गेंदों पर 171 रन बनाने थे, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजों ने कमाल का परफॉर्मेंस किया और आखिरी ओवर में 13 रन चाहिए थे, लेकिन गेंद थी मोहित शर्मा के हाथ में, जिन्होंने पहली गेंद यॉर्कर डाली जिस पर कोई रन नहीं बना पाए शिवम दुबे। तो वहीं पर दूसरी गेंद भी कमाल की यॉर्कर थी, जिस पर सिर्फ एक ही रन बना पाए शिवम दुबे, यानी कि शुरुआती दो गेंदों पर सिर्फ एक रन बना पाए थे चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज, और अब चाहिए थे बची हुई 4 गेंदों पर 12 रन मुकाबला जीतने के लिए, और यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स की मुश्किलें बढ़ चुकी थी। तभी दोस्तों, यहाँ पर तीसरी गेंद को खेलने के लिए मौजूद थे स्ट्राइक पर रविंद्र जडेजा, लेकिन रविंद्र जडेजा भी इस यॉर्कर गेंद के सामने सिर्फ एक ही रन बना पाए, यानी कि शुरुआती 3 गेंदों पर इस ओवर के सिर्फ और सिर्फ 2 रन बने, जबकि दोस्तों चौथी गेंद पर भी सिर्फ एक ही रन बना। अब आखिरी बची हुई 2 गेंदों पर 10 रन चाहिए थे और अब लग रहा था कि मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स के हाथ से निकल गया, लेकिन तभी मोहित शर्मा की 5वीं गेंद पर कमाल का शॉट खेलते हुए डाउन द ग्राउंड शानदार तरीके से गेंद को 6 रनों के लिए भेजा रविंद्र जडेजा ने, और चेन्नई सुपर किंग्स को आस जगा दी इस मुकाबले में, क्योंकि ये कमाल का छक्का था और अब आखिरी गेंद पर मुकाबला जीतने के लिए सिर्फ 4 रनों की जरूरत थी चेन्नई सुपर किंग्स को, लेकिन के लिए चौके के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था। लेकिन दोस्तों, रविंद्र जडेजा ने कमाल का बल्लेबाजी करते हुए इस गेंद को भी शानदार तरीके से फाइन लेग की तरफ 4 रनों के लिए भेज दिया और इतिहास रच दिया चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। रविंद्र जडेजा की इस कमाल की बल्लेबाजी ने एक बार फिर चेन्नई सुपर किंग्स को चैंपियन बना दिया है। महेंद्र सिंह धोनी की यह टीम, रविंद्र जडेजा की यह टीम एक बार फिर चैंपियन बन चुकी है। रविंद्र जडेजा की कमाल की बल्लेबाजी ने इस हारे हुए मुकाबले को चेन्नई सुपर किंग्स की चोली में डाल दिया है। तो दोस्तों, आपको ये बल्लेबाजी कैसी लगी रविंद्र जडेजा की, और चेन्नई सुपर किंग्स की जीत का सबसे बड़ा हीरो आपके हिसाब से कौन रहा है इस मुकाबले में? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और साथ ही दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।